इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एमवाई हॉस्पिटल से, इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल से 5 दिनों पहले एक बच्चा चोरी हुआ था, जो अब वापस मिल चुका है। पुलिस ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भी भर्ती करवाया गया है। अगर पूरी खबर पर बात करें तो एमवाई से रविवार को नवजात चोरी हुआ था, जो 5 दिनों बाद यानी कि आज शुक्रवार को वापस मिल चुका है। बच्चे को संयोगितागंज पुलिस थाना परिसर में एक महिला छोड़कर गई है। संभवतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वही महिला है जिसने बच्चे को चोरी किया था। निगम के सफाई कर्मचारी सुबह पहुंचे थे और परिसर की सफाई करने में लगे हुए थे, तो एक महिला कर्मी ने बच्चे को वहां पर देखा था। बच्चे को देख महिला कर्मी ने अन्य साथियों को बुलाया, इसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने बच्चे को एमवाईएच पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि बच्चा अभी सकुशल हालत में है। परिजन मयूर ने बताया कि पुलिस ने बच्चा मिलने की सूचना दी है, हमने अभी बच्चे को नहीं देखा है, देखने के बाद ही उन्हें संतुष्टि होगी, इस तरह की बात परिजनों ने कही है। पुलिस के अनुसार 6:30 से 7:45 बजे के बीच एक महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कपड़े में जो लिपटा बच्चा लेकर एक महिला थाना परिसर में आई और उसे छोड़कर वहीं पर चली गई। जिस जगह पर महिला ने बच्चे को छोड़ा था वह पार्किंग स्थल वाला एरिया है, जो कि थाने पर लगे कैमरे से थोड़ी दूर पर है। इस कारण महिला का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ पा रहा है। हम आपको बता दें कि बच्चा चोरी जब हुआ था तब वहां पर एमवाई से भी सीसीटीवी फुटेज में एक महिला दिखाई दी थी, जो बच्चे को ले जाते हुए साफ तौर पर दिख रही थी। और आज जो संयोगितागंज थाने के क्षेत्र में जिस महिला ने बच्चे को छोड़ा है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वही महिला हो सकती है जिसने बच्चे को चुराया था। और अगर आप बताएं तो हम अन्य सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चे को रखने वाले की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। साथ ही बच्चे को जांच के बाद एमवाईएच की पीआईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। इंदौर के डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि पुलिस ने सफेद रंग की 450 गाड़ियां चिन्हित की थी। इन गाड़ियों के मालिकों को एक एक कर बुलाया भी जा रहा था। पुलिस की सख्ती के कारण उसी में से किसी आरोपी ने डर से नवजात को थाने के पास छोड़ दिया है। जानकारी मिली है कि नवजात को सुबह 6 बजे के करीब छोड़ा गया है, क्योंकि थाने के जवानों के अनुसार मुंशी जब 6:45 के करीब थाने पहुंचे थे तो वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था। संभवतः ताक पर बैठे आरोपियों ने मौका पाकर उसे थाने के पास में छोड़ दिया है। सुबह करीब 6 बजे सफाईकर्मी जब पहुंचे तो वहां पर बच्चा रखा हुआ मिला। पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। ऐसे में चोरी वाले दिन की कहानी अगर हम बात करें तो रानी पति लोकेश भियाने, जो पंचम की फेल मालवा मिल के निवासी हैं, वे 15 नवंबर की रात 2 बजे प्रसव पीड़ा होने पर एमवाई अस्पताल लेकर उन्हें आए थे। सुबह 5:05 पर रानी ने बच्ची को जन्म दिया था। उसी दिन शाम 6 बजे के आसपास वार्ड नंबर 3 में एक युवती सफेद रंग के कपड़े पहने हुए नर्स के रूप में वार्ड में आई और यहां कुछ महिलाओं के पास पहुंची। सबसे पहले पूछा कि लड़का है या लड़की है, कुछ चेकअप किया है, कुछ महिलाओं को दवाई भी दी और फिर हमारे पास पहुंची। ये बात उन्होंने घटनास्थल की बताई है। साथ ही पूछा गया कि बच्चा लड़का हुआ है या लड़की, ये पूछा गया। ये पूछने पर परिजनों ने कहा, उन्होंने बताया कि हमने कहा कि लड़का हुआ है तो उसने चेकअप किया और कहा कि बच्चे की धड़कन कम है। ये घटना जिस दिन बच्चा चोरी हुआ था उस दिन की घटना हम आपको पूरी विस्तार से सुना रहे हैं। साथ में परिजनों ने भी बताया कि उस नर्स ने जो सफेद पोशाक में आई थी, उस महिला ने कहा कि इसकी जांच करवानी पड़ेगी, मेरे साथ नीचे चलो, इस तरह की बात महिला ने की। साथ में पीड़ित के अनुसार उन्होंने कहा कि हमने उसे मना कर दिया तो वह वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और कहा कि मेरे साथ चलो, आप अभी तक क्यों नहीं गए। तो रानी की मां बच्चे को लेकर उसके पीछे चली गई। नीचे जाकर उसने बच्चे को गोद में ले लिया और कहा कि आप पर्ची बनवा लाओ। जैसे ही नानी सामने पर्ची बनवाने गई, वह युवती पीछे पलटी, इधर उधर देखा और बच्चे को लेकर पीछे वाले गेट से निकल गई। नानी पर्ची बनवाकर जब लौटी तो युवती वहां पर नहीं दिखाई दी। खोजने के बाद भी
परिवार वालों और एमवाई अस्पताल प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें महिला साफ तौर पर बच्चे को ले जाती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद ये मामला ज्यादा बड़ा हुआ। लोगों ने न्याय की मांग की, बच्चे को वापस घर पहुंचाने की मांग की, जिसके तहत पुलिस ने भी कड़ी कार्यवाही शुरू की थी। कहा जा रहा है कि इसी के डर के कारण अपराधी पकड़ा ना जाए, इसके डर के कारण आज अपराधी ने सुबह थाने परिसर में बच्चे को वापस छोड़ दिया है। सीसीटीवी फुटेज में भी अब एक महिला दिखाई दे रही है जो संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में बच्चे को छोड़ती हुई नजर आ रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वही महिला है जिसने 15 नवंबर के दिन बच्चे को एमवाई हॉस्पिटल से चुराया था। पुलिस ने बच्चे को एमवाई में भर्ती करवाया इलाज के लिए और ये खबर सामने आ रही है कि बच्चा अभी पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। और इस तरह की कार्यवाही के बाद इंदौर के डीआईजी ने भी कहा है कि हमने सख्ती अपनाई थी, हो सकता है कि उसी के डर से आरोपी ने आज बच्चे को वापस थाना परिसर में छोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो लगातार 5 दिनों से मांग उठ रही थी, जो 5 दिनों से एमवाई पर ये शिकंजा था, ये कलंक सा उठ रहा था, लगातार एमवाई पर आरोप लग रहे थे, ये आरोप अभी भी बने हुए हैं क्योंकि ये आरोपी ने खुद ने ही बच्चे को सही सलामत छोड़ा है। इसमें पुलिस की सख्ती भी कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं आरोपी ने डर के कारण काम किया है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि आखिरकार 5 दिनों के कठिन समय के बाद बच्चे के परिजनों को आखिरकार एक चैन की सांस लेने को मिल चुकी है, उन्हें अपना बच्चा वापस मिल गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। इसी तरह की लगातार बड़ी खबरों के लिए, ताजा अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए खबर 100 के साथ।